लोग का आ गया हीरो गेले में, ठीक है ना, सात आठ साल का कार्य में। अभी शायद हम लोग खजरापुर में इसका हेड बोलो, इसमें व्हाइट स्मोक प्रॉब्लम है, इसमें व्हाइट स्मोक प्रॉब्लम है और बॉडी में भी काम है, सोकार उड़ा का प्रॉब्लम है, सही से खिलता नहीं है, पिकअप भी नहीं है इसका, साथ टाइम टू बिट में टाइमिंग में थोड़ा अल्टर हो गया। तो हम लोग लगाए कि इसमें न्यू पिस्टन बाल टाइमिंग चेंज और शायद क्लच प्लेट लगाया था 6 महीना पहले, वो हम लोग क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे। तो चलो दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। तो कैसे क्या था, फटाफट से हम लोग खुलते हैं, फिर क्या क्या लगेंगे हर चीज़ बताएंगे, हम लोग जाएंगे किसानगंज। तो दोस्तों पहले पर स्टार्ट करते हैं, इसका बैटरी डाउन है तो हम लोग इनका गाड़ी होने वाला, बैटरी भी नया डाल देना, तो बैटरी भी नया लगेंगे पहले किक से स्टार्ट करते हैं। हेड ब्लॉक खुलना शुरू करते हैं। तो दोस्तों फटाफट से हम लोग खुलते हैं। तो पहले मार का अक्सर काम नहीं होता है, साइड पैनल छुटा है, कोई बात नहीं है, हम लोग तुरंत खोल देते हैं, ठीक है ना, साइड पैनल खुल लो और फिर भी खुल लेते हैं चालू किया। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से हम लोग खुल लेते हैं, फिर ये हम लोग साइड करते हैं, ठीक है ना। टैंक भी हम लोग खुल ले, ठीक है ना, अभी गाड़ी हो गया, देखिए पूरा खुलने कैसे लगता है, टैंक करके साइड की। अभी खबर से हम लोग दोस्तों टूल बॉक्स को खुल लेते, ठीक है ना। तो दोस्तों खबर से हम लोग टूल बॉक्स खुल लेते, तो दोस्तों टूल बॉक्स को खुल ले, ठीक है ना। अब हम लोग खुलेंगे यहाँ से कार्बोरेटर वॉश होगा, एयर फिल्टर खराब होगा तो चेंज कर देंगे, नहीं तो अगर चलने का लागे हुआ तो रिपेयर कर देंगे, कार्बोरेटर तो वॉश होगा ही, और हेड तो भाल नया लगाएंगे, जनरली हम लोग लाए, ठीक है ना, शुरू से। और ये सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा, मतलब बोलोक लेके जाना पड़ेगा किसान का, तो फटाफट से हम लोग आइए है। तो दोस्तों मेरा हाथ में अभी एक कैमरा और दोनों आदमी लग गया काम में। तो हम लोग का इधर बारिश हुआ था और रात में आंधी तूफान अच्छा हुआ था और आज मोटरसाइकिल उतना चलता नहीं है, वो इधर बहुत ही ख़राब, मतलब मौसम बहुत ही ख़राब है और करंट नहीं है सुबह से। तो दोस्तों हम जो आए करीब 5 मिनट हो गए, आए यार तुरंत गाड़ी हाथ लगा दे, हम ही लाए, देखिए बिल्कुल कैसे करंट नहीं है ना, इसलिए दिन भर आज यही गाड़ी का काम करेंगे, देखिए बिल्कुल गाड़ी नहीं आई, थोड़ा बहुत पानी भी हुआ, थोड़ा बहुत हल्का हल्का देखिए पानी लग गया। तो फटाफट से हम लोग खुलते हैं इसको। तो दोस्तों चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के बाद ज़रूर शेयर कीजिएगा, कितना खर्चा होगा, क्या क्या प्रॉब्लम, हर चीज़ बता देंगे इस वीडियो में। तो फटाफट से खुलते, हम भी हाथ लगाते। तो दोस्तों साइलेंसर हम लोग निकाल दिए, ठीक है ना, तो साइड करके रखते हैं, आग हो गया कार्बोरेटर, उधर वाला हम खुलते हैं, अभी इधर वाला आगे का अपनी लग गया, गेट का स्टेप खुलने में जल्दी हो जाए। तो दोस्तों हवा भी बहुत चल रहा है, शायद साउंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसका कैंसिल लेकर ब्रेकिंग स्पाइक को खुल लेते हैं। और ये जो है मिनी साइलेंसर है, ऐसा रहेगा, कोई बात नहीं, हॉर्न खुलना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है ना। तो फटाफट से हम हॉर्न उधर से खुल लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, इसका हॉर्न खुल लेते हैं फटाफट से। तो दोस्तों देखिए
देंगे अभी टाइमिंग चेन का स्क्वाड का या कुछ देंगे टाइमिंग ठीक है ना बनार से। हाँ तो दोस्तों इनका टाइमिंग चेन का स्क्वाड का जो आठ नंबर बोल है उस का था अभी बोल देंगे ठीक है ना। बोल क्या बोल बोल आगे हम ये भी सीए टेस्ट के साथ आगे नोकुल है दो दोस्तों एलएन के फुल ये ठीक है ना निकाल दे। इसमें व्हाइट स्पॉट का जो प्रॉब्लम था देखिए इसको पिस्टन डाउन हो गया रिंग डाउन हो गया तो हम लोग इसको फाइनिंग करेंगे और दोनों जो भाप है न्यू डाल देंगे। तो दोस्तों ये जो भाप है हम लोग ओरिजिनल लाए शोरूम से ठीक है ना। तो दोस्तों इसका भाप का कीमत है 375 रुपये इसमें गारंटी करना पड़ेगा अलग से 50 रुपया लेगा ठीक है ना। गारंटी होगा भाप नया लग जाएगा जेन्युइन ठीक है ना। पिस्टन अभी ये तो उषा का लगाएंगे नहीं तो हीरो कंपनी का जेन्युइन लगाएंगे। उस हीरो का पिस्टन लगाएंगे नहीं तो उषा का अगर नहीं मिला तो गोयस था ही लास्ट में। तो फटाफट से हम लोग एक को खुलते ठीक है ना। आप दोस्तों चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों क्या फिटिंग करेंगे उस टाइम अगर टाइम मिलेगा तो अलग से वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।